वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारे साथ, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट सेगमेंट में बताया था कि डॉक्टर शमाइल हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, जो कि हमें बताएंगे कि कैंसर क्यों इतना फैल रहा है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी वजह क्या है, और हम क्यों इतने परेशान हैं कि हमारे इर्द गिर्द जब हम देखते हैं तो इतनी जो कैंसर, इतने मरीज़ क्यों हैं, इतने हमारे अपने क्यों कैंसर में मुब्तला हैं। तो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शमाइल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। तो डॉक्टर शमाइल, जैसे कि अभी बात कर रहे थे, आपने मुझे बताया कि ज्यादा, क्योंकि अवेयरनेस बहुत है, आप समझते हैं कि अवेयरनेस बहुत होगी है, लेकिन पहले भी हमने कुछ ऐसी बातें तो नहीं सुनी कि भाई मतलब जब मैं याद करती हूँ अपने बचपन में या वैसे, तो कि कोई ऐसी मिस्टीरियस बीमारी है जिससे कोई बीमार होके कोई फौत हो जाए खुदा ना खास्ता, या कोई ऐसे टर्मिनल किस्म की इलनेस हो जाए। तो आपके ख्याल में कि ये पहले से ज़्यादा हो गई है या पहले या अवेयरनेस की वजह? जी, कुछ कैंसर्स तो ऐसे हैं जिसका इंसिडेंस जो उनसे वो बड़ा है वक्त के साथ साथ, कुछ का कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अच्छा, कैंसर जो है वो जल्दी डायग्नोज हो रहे हैं, अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो रहे हैं, और उसकी वजह एक बड़ी है कि अब स्क्रीनिंग पे एक बहुत ज्यादा उसको जोर दिया जा रहा है उस पर, कि उससे अर्ली डिटेक्शन हो सके और ताकि उसकी ट्रीटमेंट करके उसके क्योर के चांसेस भी जो उनसे हैं वो बढ़ सके, बढ़ाए जा सकें। पहले तो ये होता था कि वो स्क्रीनिंग मेथड्स नहीं होते थे, साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, तो अक्सर जो है वो कैंसर वो लेट स्टेजेस में डायग्नोस होते थे, और एट दैट पॉइंट हम उसका कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, कर सकते थे एट दैट टाइम। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो नए जो टूल्स हैं अर्ली डायग्नोसिस के, अर्ली डिटेक्शन के और स्क्रीनिंग के, उसकी वजह से जो डायग्नोसिस है वो भी ज्यादा हो रही है। ठीक है, अच्छा, उसकी वजह से आप ये समझ रहे हैं। तो ये जैसे अभी जैसे हम बहुत सुनते हैं और बहुत कहा भी जा रहा है कि ये डाइट जो है हमारी, डाइट में जो हार्मोन्स डाल रहे हैं और जो पेस्टिसाइड्स हैं वो बहुत अफेक्ट कर रहे हैं, जब वो हम वो चीज़ खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें पेस्टिसाइड उसके ऊपर है, इतने वो स्ट्रांग है कि हम जो खाते हैं वो हमें अफेक्ट कर रहे हैं, या हार्मोन्स है, इतने आर्टिफिशियल हार्मोन्स डाले जा रहे हैं, चिकन हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई, उनमें वो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे, एंड दिस इज़ अ बिग कॉज कि दे आर, जिसकी वजह से हम जो है वो कैंसर बहुत फैल रहा है। डू यू थिंक सो दैट दैट इज ट्रू, इट हैज सम इफेक्ट? और कैन फूड के बारे में बहुत सुना जा रहा है। तो उसमें यह कि केमिकल्स और हार्मोन्स आर डेफिनेटली एसोसिएटेड विद सर्टेन कैंसर्स, कि हम ये तो नहीं कह सकते कि वाकई वो काज करते हैं, लेकिन उसका एसोसिएशन जरूर है। कई कैंसर्स हैं जिसमें हमने देखा है कि अगर उसका एक्सपोजर बढ़ जाए सर्टेन केमिकल्स का, तो कैंसर के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अच्छा। जैसे सर्टेन केमिकल एक्सपोजर्स की वजह से ब्लैडर कैंसर जो उनसे वो वो हो सकता है, इसी तरह कुछ हार्मोन्स के एक्सपोजर से कुछ ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर उसके चांसेस होने के वो बढ़ सकते हैं, खास तौर पे वो कैंसर जो के हार्मोन्स डिपेंडेंट होते हैं। तो बात आपकी ठीक है कि हम जितना ऑर्गेनिक वो खाएं या जो अपनी फूड को ऑर्गेनिक वो करें तो उतना ही अच्छा है। जैसे वही मैं पहले भी मैंने नाज़रीन से जिक्र किया कि हम जैसे बचपन में खाते थे बड़ा वो ऑर्गेनिक खाना होता था, और मतलब सेब के साइज़ भी छोटा है, केले का साइज़ भी छोटा है, और मुर्गी भी साइज़ भी छोटा है, लेकिन जब यहाँ आए तो हर चीज़ इतनी बड़ी बड़ी लाल लाल तो पहले तो शुरू में जो लेमैन होता है वो मेरी तरह वो बड़ा इम्प्रेस होता है कि अच्छा ये तो कितनी खूबसूरत चकले हैं, कितने वो अच्छे सेब हैं। तो मैंने नोट किया है कि हमारा जो खाना है, जो देसी खाना है, उसमें हम इतना वो ऑयल डालते हैं, इतना वो घी डालते हैं कि वो जब तक ना हो कि वो कहते हैं कि ये मजा नहीं आता। ये जो ज्यादा हम फैट यूज करते हैं, दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सर्टेन कैंसर्स लाइक कोलन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सो देयर इज एसोसिएशन, नॉट जस्ट कि उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑयल डालते हैं खास तौर पे सैचुरेटेड जो फैट्स हैं उसकी वजह से तो और ज्यादा होता है, लेकिन हमें मिनिमाइज करना चाहिए फैट को, हम कम्प्लीटली तो अवॉइड नहीं कर सकते फैट को, एक उसका मखसूस जो मकदार है फैट्स की वो हमें जरूरी होती है बॉडी के लिए, लेकिन उसके लिए हम जब वो खाना बनाते हैं तो वो पूरा ऑयल जो देसी खाना हमारा बिल्कुल वो भरा होता है उससे,
जो उसकी जो खाना है उसे पूरा वो भरा होता है. हाँ, क्योंकि पहले मुझे याद है कि कहीं मैं किताबों में मैंने पढ़ा हुआ है कि जी उसमें जब आप ऑयल को, एक ऑयल को जैसे वो पाकिस्तान का तो स्टाइल है ना कि ऑयल को बार बार वो गर्म करते हैं, तो वो जब ऑयल को आप बार बार गर्म करते हैं एक टेम्परेचर पे लाते हैं तो वो पॉइजनस हो जाता है, और उसका और भी ज्यादा नुकसान, उसका और भी ज्यादा नुकसान. बाई इटसेल्फ ज्यादा ऑयल अच्छा नहीं है, लेकिन उसको रीहीटेड किया जाए तो उसे और ज्यादा, क्योंकि ऑयल से, फैट से तो हम सुनते थे ना कि जी आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या आपका फैट सेल्स में इजाफा होता है, लेकिन ये तो एक नई बात मैं सुन रही हूँ आपसे कि इसमें कैंसर भी एसोसिएशन है, उसका एसोसिएशन है उसका डाइट से. रेड मीट ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो कोलन कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, फैट का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो कोलन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर से उसका भी एसोसिएशन है. अच्छा, यानी डाइट से तो फिर है ना काफी डेफिनेटली एसोसिएशन. और ये जो एनवायरनमेंट है हमारा उससे क्या मतलब, जैसे जो पोल्यूशन है और जो क्या उससे भी कैंसर का है, उसकी वजह से भी बढ़ा है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जैसे स्किन कैंसर है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट का एक्सपोजर ज्यादा हो, अक्सर हम वो बाहर जाते हैं, लोग जो उनसे पूल पे ज्यादा टाइम गुजारते हैं, वो सनस्क्रीन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, तो उससे वो स्किन के कैंसर के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसी तरह से जो केमिकल्स हैं, जो एनवायरमेंटल केमिकल्स हैं जिसकी मैंने बात की, कि बेंजीन या और कुछ जो से इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, उससे ब्लैडर कैंसर के होने के चांसेस बढ़ सकते हैं. कुछ और हैवी मेटल्स हैं या रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं एनवायरमेंट में जिससे और कैंसर बढ़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल लंग कैंसर, उसका एसोसिएशन है एस्बेस्टोसिस से या कुछ और रेडियम या कुछ और इस तरह से जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं उसके एक्सपोजर से. तो जितने भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, चाहे वो केमिकल्स हों, चाहे वो अल्ट्रावायलेट लाइट्स लाइट हो या आयनाइजिंग रेडिएशंस हो, इस सब का जो है ना हमारे जो सेल्स के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. ये चीजें भी बड़ी डिस्टर्बिंग हैं. और लेकिन बात ये कि जिस तरह कैंसर की एक स्टडीज आ रही है डॉक्टर शमाइल, और उसमें ये कहा जा रहा है कि कैंसर जो है वो फैल रहा है, या उसकी ट्रीटमेंट, जिस तरह ट्रीटमेंट बेसिकली मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कवरी हो रही है, ये हो रही है, लेकिन ये चीज खुल के नहीं बताई जा रही लोगों को कि क्या अवॉइड करें, किस तरह कैंसर से बचा जा सकता है. हाउ मतलब वो एक चीज होती है ना, एक प्लान दिया जाता है, जैसे एक हेल्थ प्लान होता है, तो वो चीज़ आप लोग उस पर कोई रिसर्च हो रही है कि जी ये ना करें, और इस तरह वो कोई ऐसी स्टडीज आ रही हैं? जैसे मैंने बात की स्क्रीनिंग के बारे में, कि जब भी आप पेशेंट्स जाएं प्राइमरी फिजिशियन के पास, तो वो डिस्कस करें कि भाई मुझे इस एज पे किस किस कैंसर की स्क्रीनिंग जो उनसे जरूरी है. ठीक है. अब जो कॉमन कैंसर हैं वो ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में, प्रोस्टेट कैंसर मैन में, ये सबसे ज्यादा कॉमन है. ठीक है. फिर हो गया लंग कैंसर. ठीक है. उसके बाद कोलन कैंसर. ठीक है. ये तो कॉमन कैंसर है, इनकी स्क्रीनिंग मौजूद है. ठीक है. सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग मौजूद है, ओवेरियन कैंसर की. वो जो मैंने लिम्फोमा, वो क्या होता है उसको कहते हैं ना, ब्लड कैंसर तो ब्लड कैंसर ही कहते हैं, लेकिन एक होता है कि लिम्फ नोड से समथिंग इज अटैच्ड टू दैट. ब्रॉडली स्पीकिंग कैंसर जोन से दो तरह के हो सकते हैं. एक जोन से वो ब्लड के सिस्टम से शुरू होते हैं या बोन मैरो से शुरू होते हैं. उनको सिंपली हम कह सकते हैं लिक्विड ट्यूमर्स, उनमें लिम्फोमास और ल्यूकीमियास वगैरह आ जाते हैं. दूसरी किस्म के जो कैंसर्स हैं वो सॉलिड ऑर्गन से शुरू होते हैं, जैसे ब्रेस्ट, लंग, कोलन, ये जो कैंसर्स हैं ये सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स हैं. तो इनकी डिफरेंट एटियोलॉजी हैं, डिफरेंट उसकी कॉजेज हैं, ट्रीटमेंट डिफरेंट है. तो ये जो दो बड़ी उसकी टाइप्स हैं. अब जो स्क्रीनिंग के बारे में, ज्यादातर तो हम जब भी अपने प्राइमरी फिजिशियन से बात करें तो उनसे पूछें कि जी इस एज में हमें कौन सी स्क्रीनिंग चाहिए. अगर आपके पास कुछ टाइम है तो मैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ. जरूर जरूर, आप बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि आप नाज़रीन को बताएं कि भाई कैसे वो किया जा सकता है. जी तो सबसे कॉमन जो फीमेल में कैंसर वो ब्रेस्ट कैंसर है. उसकी एनुअल स्क्रीनिंग
एनुअल मेमोग्राम से की जा सकती है, स्टार्टिंग एज 40, 40 साल की उम्र से उमूमन शुरू की जा सकती है। कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री कैंसर्स की, या कुछ ऐसी जेनेटिक म्यूटेशंस हैं फैमिली में जो रन करती हैं, और उसकी बेस पे स्क्रीनिंग जल्दी एज पे भी शुरू की जा सकती है। लेकिन अमूमन एक एवरेज पर्सन के लिए, एक एवरेज फीमेल के लिए 40 ईयर्स से वो स्क्रीनिंग शुरू की जा सकती है, एनुअल स्क्रीनिंग। अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पर्सनल रिस्क फैक्टर हाई है, जो क्या एक अमूमन एक फिजिशियन बता सकता है, तो उसमें जल्दी भी शुरू की जा सकती है। उसमें मेमोग्राम के जरिए की जा सकती है अमूमन, लेकिन अगर फैमिली हिस्ट्री है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, और पर्सनल रिस्क जो उनसे काफ़ी हाई है, तो फिर MRIs भी किए जा सकते हैं। जहाँ तक बात है कि प्रोस्टेट कैंसर की, जो कि सबसे कॉमन कैंसर है मेन में, उसके लिए डिजिटल रेक्टल एग्जाम किया जा सकता है ऑन एनुअल बेसिस, और एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको PSA बोलते हैं, तो उसको एज 45 to 50 से वो शुरू किया जा सकता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा आपको वो करूँगी, आपने ब्लड टेस्ट की बात की एक्चुअली, तो मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर शमाल के, कोई ऐसे वो ब्लड टेस्ट नहीं है कि जिससे मतलब बजाय इसके कि MRI कराया जाए या कुछ और करवाया जाए, कोई ब्लड टेस्ट ऐसे इन्होंने अभी तक वो डेवलप नहीं किए जिससे पता चल जाए कि जी क्या कुछ कैंसरस सेल हैं जिस्म में, या कुछ मतलब देयर सम प्रॉब्लम? उस पे काम हो रहा है, उस पे काफी रिसर्च आ रही है कि मिनिमली इन्वेसिव टेस्टिंग जो है ब्लड के जरिए ट्यूमर एंटीजन या फ्लोटिंग एंटीजन जो है वो उसको पिक करके वो अर्ली डिटेक्शन किया जा सके, उस पे काम हो रहा है, काफी रिसर्च आ रही है, लेकिन अभी कोई अप्रूव नहीं है वो कोई टेस्ट। अच्छा, वो अप्रूव नहीं है। एक्सेप्ट के अब जैसे मैंने PSA की बात की, प्रोस्टेट कैंसर की, वो अप्रूव टेस्ट है, वैलिडेटेड है। इसी तरह से ये तो हो गए सबसे कॉमन कैंसर, उसके बाद लंग कैंसर अप्रूव्ड है एनुअल स्क्रीनिंग CT स्कैन के जरिए, स्टार्टिंग एज 50 अप टू जनरली अप टू 74-75 उन लोगों में जो कि क्रॉनिक स्मोकर्स हैं या क्रॉनिक स्मोकर्स रहे हैं, जिन्होंने जिनकी 30 pack years से ज्यादा की वो हिस्ट्री है स्मोकिंग की, और जो कि अभी भी स्मोक कर रहे हैं, या जिन्होंने क्विट किया 15 साल से कम अरसे में, उनका वो अप्रूव्ड है एनुअल CT स्कैन के जरिए लंग कैंसर की स्क्रीनिंग। अच्छा, तो इंश्योरेंस कवर करती है? इंश्योरेंस कवर करती है, जी हाँ, इंश्योरेंस कवर करती है। फिर कोलन कैंसर, उसके हम अक्सर सुनते हैं कि कोलन कैंसर स्क्रीनिंग, उसके भी वेरियस मेथड्स हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है वो ये है कि कोलोनोस्कोपी की जाए स्टार्टिंग एज 50, लेकिन उसमें भी वो फैक्टर्स आ जाते हैं कि अगर पर्सनल रिस्क जो उनसे है वो ज्यादा है बेस्ड ऑन फैमिली हिस्ट्री एंड बेस्ड ऑन सम जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो कि फैमिली में रन करती है, उस पे हम जल्दी भी शुरू कर सकते हैं। तो ये अप्रूव्ड है, ये भी इंश्योरेंस से अप्रूव्ड है कि इंश्योरेंस कवर्स एवरीथिंग। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा स्टूल DNA टेस्ट है, स्टूल ऑकल्ट ब्लड है, और कुछ और स्क्रीनिंग टेस्ट भी हैं जो कि किए जा सकते हैं, जो कि नॉन इन्वेसिव है। ठीक है, ठीक है। चलें, कम अज़ कम एटलीस्ट ये फैसिलिटी है लोगों के पास कि वो जाएं तो, लेकिन ये है कि लोगों को अपना ये ख्याल रखना है खुद ही से कि भाई हम जाएं और ये विद एज हम ये सारे टेस्ट करवाएं। लेकिन और एक बड़ी वजह ये है कि स्क्रीनिंग की कि जब कैंसर अपनी इनिशियल स्टेजेस पे होता है, ज़्यादातर उसकी कोई सिम्टम नहीं होती। अच्छा, सिम्टम नहीं होती। ठीक है, अक्सर ये होता है कि जब तक सिम्टम्स डिवेलप होती हैं, कैंसर जोन्स है वो पहले ही वो एडवांस्ड हो चुका होता है। तो स्क्रीनिंग का ये फायदा है कि उसकी डिटेक्शन जो उनसी है वो अक्सर अर्ली स्टेजेस पे हो सकती है। अगर डिटेक्शन अर्ली स्टेजेस पे हो तो उसकी क्योर के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हम सुनते हैं कि जी इसमें एक तो कीमो दी जाती है और एक इसमें दूसरी होती है रेडियो, हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करती है कि उसकी कैंसर की बायोलॉजी क्या है, उसकी स्टेज क्या है, उसकी सब टाइप क्या है, बहुत से फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं ट्रीटमेंट में। बड़ी जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं, सर्जरी, ठीक है, मेडिसिन जिसमें कीमोथेरेपी भी आ जाती है, और रेडिएशन ट्रीटमेंट, ये बड़ी ऑप्शंस हैं। ज्यादातर जो कैंसर्स हैं उनके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, ज्यादातर सबके लिए, ज्यादातर के लिए, और अक्सर देखा यह गया है कि सर्जरी के बगैर क्योर भी जो उनसी है उसके चांसेस कम होते हैं। अच्छा, ज्यादातर मैं ये कह रहा हूँ ज्यादातर कैंसर के, सबके नहीं। अच्छा, अब मेडिसिन जो हैं उसमें कीमोथेरेपी आ जाती है, उसमें कुछ उसमें इम्यूनोथेरेपीज आ जाती हैं, जिसमें हम ऐसी मेडिसिन देते हैं कि जो कि हमारे अपने इम्यून सिस्टम को
स्ट्रॉन्ग करती हैं और उन सेल्स को मोर इफेक्टिव बनाती हैं कि वो कैंसर सेल्स के खिलाफ वो लड़ सकें. इम्यूनोथेरेपी कहते हैं उन ड्रग्स को. फिर कुछ और टारगेटेड थेरेपीज हैं. आजकल बहुत काम हो रहा है इम्यूनोथेरेपीज पे और नई टारगेटेड थेरेपी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर शमाइल. हम इस पे बात करेंगे लेकिन अभी टाइम हो रहा है नाज़रीन हमारे एक ब्रेक का. तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि डॉक्टर शमाइल हमें बता रहे हैं कि भाई कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, नई थेरेपीज क्या है, किस चीज पे काम हो रहा है, कौन सी ड्रग्स हैं. तो कहीं मत जाइएगा. वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक.